लेकिन एक तरफ मोर्चा संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला राहुल गांधी जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला प्रियंका जी ने, और अंजाम क्या रहा कि पूरी ताकत लगा के, पूरी मशीनरी लगा करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हार गई, और सिर्फ हार नहीं गई, बुरी तरह हार गई। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा इमरान साहब इस जीत पर क्या कहेंगे, मैंने कहा राहुल गांधी का एक नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। दुकान हिमाचल प्रदेश में खुली थी, कर्नाटक में तो शोरूम खुल गया है मोहब्बत का। और जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शन खत्म हुआ, जानते हैं पहला रिजल्ट क्या आया? 2000 का नोट बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्हें भी लगा होगा कि जो नोट हमारे काम नहीं आ सका उसे चलाया क्यों जाए। फिर 2000 का नोट बंद कर दिया गया। मैं बोकारो में खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि 2016 में उन्होंने 2000 का नोट चलाया था। अरे जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला सकी, वो हमसे 70 साल का सवाल पूछती है कि आपने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, वह हमसे आपसे सवाल पूछते हैं। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1150 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं। 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया। बोकारो वालों, मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अल्पसंख्यक विभाग का मतलब सिर्फ मुसलमानों का विभाग नहीं होता, मैं मीडिया के साथियों को भी बताना चाहता हूं, इस देश में 6 कम्युनिटी हैं जो अल्पसंख्यक का दर्जा जिनको मिला है, उसमें सिख भाई हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं। हमारा विभाग 6 कम्युनिटीज के लिए काम करता है, और सिर्फ कांग्रेस में ही अल्पसंख्यक विभाग नहीं है, भाजपा में भी है, पता कर लीजिएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि हमने कोशिश शुरू की कि राहुल गांधी जी का जो पैगाम था भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद, हमें लगा राहुल जी का जो पैगाम था उस पैगाम को उस यात्रा के साथ ठप ना किया जाए। फिर हमारे विभाग ने यह फैसला किया कि पूरे मुल्क में भारत जोड़ो के नाम से हम 100 कार्यक्रम करेंगे, भारत जोड़ो सम्मेलन, भारत जोड़ो मुशायरा, भारत जोड़ो बुनकर संवाद, भारत जोड़ो सेमिनार, हम अलग अलग शहर में जाएंगे। जब पहला प्रोग्राम हम तय कर रहे थे तो हमें लगा कि कैसे कामयाब होगा, लेकिन जब हमने किशनगंज में भारत जोड़ो मुशायरा किया 21 तारीख को, हजारों का हुजूम आया, और फिर उसके बाद हमें लगा कि जब हम बोकारो जा रहे हैं तो कैसा होगा, लेकिन बोकारो वालों आपकी मोहब्बत को सलाम। मुझे खुशी है कि पिछले 4 घंटे से बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, और जिस जिंदा दिली के साथ बैठे हैं, जो इस्तकबाल आपने किया, उधर छतों तक पर माएं बहनें खड़ी हैं। मैं आपके दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। सिवंडी वालों, बोकारो वालों, झारखंड वालों, हम उस पैगाम को लेकर के आपके बीच में आए हैं जिस पैगाम का असर अभी पिछले दिनों आपने कर्नाटक में देखा है। मैं जानता हूं कि आप मुझे बतौर शायर जानते रहे हैं, आपने मेरी नज़में सुनी हैं, आपने देखा है कि जब मैं नजीब की मां के आंसुओं को अपने नज़मों का हिस्सा बनाता था तो मेरे साथ आप भी रो दिया करते थे। मैंने देखा है कि जब मैं आपके लिए नज़में पढ़ता था, मदरसे के लिए नज़म पढ़ता था, तो आप भी मेरे साथ दुआएं करते थे, मेरे लिए गुनगुनाते थे आप। मैं आपकी आवाज बनकर के मुसलसल बोलता रहा हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं सिर्फ माइक पर खड़ा होकर के आपके लिए आवाज बुलंद नहीं कर रहा था, मुझे जब लगा कि वक्त मुश्किल है, मुझे जब लगा कि हाकिम ने यह सोच लिया है कि मुल्क में सारी आवाजें खामोश कर दी जाएंगी, उस वक्त भी मैं डरा नहीं, मैं राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था और यह कह रहा था कि राहुल जी, इस मुल्क में मोहब्बत के सिवा और कोई चारा नहीं का,
नफरत के खात्मे के लिए मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं, और मुझे खुशी है कि उस मोहब्बत के पैगाम का जो संदेशा और जो उसका असर कर्नाटक में हुआ है, अभी तमाम वक्ताओं ने अपनी बातों में उसका जिक्र किया। मैं जानता हूं आप भाषण सुन सुन के बहुत थक गए हैं, मैं बीच बीच में आपको थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगा, थोड़ा भाषण भी सुनाऊंगा। मैं आपका बहुत ज्यादा इम्तहान नहीं लूंगा, मैं जानता हूं आप बहुत थके हुए लोग हैं, बहुत थक गए हैं, कई घंटे से बैठे हैं। के हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगर नहीं थके हैं तो फिर मुझे बताइए कि नहीं थके हैं, वरना मैं समझूंगा कि थक गए। के हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अब तैयार रहिएगा, अब मुझे लगे कि मैं करबला के मैदान में खड़ा हूं, सिवंडी में खड़ा हूं, बोकारो में खड़ा हूं। के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, यहां से वहां तक तैयार रहिएगा, दिल्ली तक पहुंचाइएगा अगले मिसरे के शोर को। के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पूरी भाजपा परेशान है कि हार कैसे गए, सब कुछ तो सेट था, हार कैसे गए। सारे नारे भी लगा लिए, प्रधानमंत्री जी ने भी सारे तिकड़म कर लिए, रोड शो भी कर लिए, फिर कैसे हार गए। हम बताते हैं आप कैसे हार गए भाजपा वालों। के धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला रहमान हमारे साथ रहे। और बोकारो से ये मोहब्बत का पैगाम, भारत जोड़ने का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के एक कोने तक जाना चाहिए। आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा, मुझे पता है। अगले जो दो मिसरे हैं उन्हें पहुंचाइएगा दिल्ली तक। के धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको साथ मिला रहमान हमारे साथ रहे, वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत।